हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा प्रैक्टिस एट 3.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स 2 मैथमेटिक्स 1। इस वीडियो में हम 3.3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फॉर्मूला देखा, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। और प्रैक्टिस सेट 3.3 के इंट्रोडक्टरी पार्ट हम आगे देखने वाले हैं। सी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ap। यहां हम फर्स्ट n टर्म्स यानी समझो दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इस प्रोग्रेशन के पहले 10th टर्म का हम सम देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 10 ऐसा तो हम नहीं कर सकते, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस 10 ऐसा तो हम नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। जिस फॉर्मूला यूज करने के बाद हम फर्स्ट n टर्म का डायरेक्ट सम जो है वो सम निकाल सकते हैं। सी, the sum of first n terms of an AP is given by formula। ये formula use करने के बाद आपको वो sum मिलेगी। इस यहां sum of first n terms denote कर रहे हैं हम Sn से। यहां Sn और Tn इसमें difference है, वो difference आपको मालूम होना चाहिए। Tn यानि nth term और Sn का मतलब होता है फर्स्ट n टर्म की सम, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, इसे हम डिनोट करने वाले हैं Sn। सी दी फॉर्मूला केयरफुली, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वह आपको मालूम है a इज दी फर्स्ट टर्म, it is denoted by t1 also, but in formula always we write first term by a। b is nothing but common difference, common difference ka formula bhi humne dekha tha, d is nothing but tn plus 1 minus tn। the sum of the first n terms of an ap again is given by the formula Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d। Sn का मतलब once again sum of first n terms। ये formula हम rewrite करेंगे क्योंकि ये formula थोड़ा सा large हो गया है, इसे हम short करने की कोशिश करेंगे। see, ये formula लिखते वक्त हम इसे rewrite करने वाले हैं Sn as it is, n by 2 as it is। मैं सिर्फ ये करने वाला हूं, ये जो 2a है इसका हम factor निकालेंगे, 2a का मतलब होता है a plus a। अब मैंने formula rewrite किया, a plus n minus 1 into d as it is, then see the new formula, Sn is equal to n by 2 in bracket a plus n minus 1 into d। इसका मतलब आप जानते हैं, Sn as it is, n by 2 as it is, no problem, a as it is, और a जो formula है a plus n minus 1 into d हमने 3.2 के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा था, इसे कहते हैं n टर्म का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is written by tn, denoted by tn। तो हमें न्यू फॉर्मूला मिल गया, Sn is equal to n by 2 in bracket a plus tn। जैसे हम फर्स्ट टर्म t1 denote by a, वैसे ही हम लास्ट टर्म tn l से डिनोट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर हमें नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला मिल गया, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, a फर्स्ट टर्म, l लास्ट टर्म।
हमें ये जानना जरूरी है कि ए फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे और ए फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे। लास्ट वाला फॉर्मूला जो है, ए फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं तब भी जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो। बहुत से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें लास्ट टर्म मालूम नहीं होती है। अगर हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है, लास्ट टर्म अननोन है, तो हम ए फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। और अगर हमें लास्ट टर्म नहीं मालूम है, अननोन है, तो हम ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखिए फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां लास्ट टर्म मालूम होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लास्ट टर्म अननोन है तो भी चलेगा, लेकिन यहां हमें कॉमन डिफरेंस डी मालूम होना चाहिए। यहां कॉमन डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मालूम है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर लास्ट टर्म मालूम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में सेम मैंने अभी अभी बताया आपको, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म एंड एल का मतलब है, एल और पीएन दोनों वन एंड सेम है। जैसे यहां मैंने बताया आपको ए एंड टी वन वन एंड सेम है फर्स्ट टर्म, वैसा ही टीएन और एल स्मॉल एल है स्मॉल एल दोनों को हम बताने वाले हैं लास्ट टर्म। इट इज नॉट कॉमन डिफरेंस, इट इज लास्ट टर्म। इसी फॉर्मूला यूज करके हम आगे देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2।